हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो भाइयों। आप लोगों का भाई आप ही के चैनल पे आ गया। तो गाइस, आपने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि राजेश की बेस्ट बॉलिंग एंड टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करना, तो ये वीडियो उसके बेस पे रहने वाली है। मैं आपको राजेश की दो पावरफुल ट्रिक ऐसी डिस्कस करूंगा जिससे कि आप पहली बॉल पर आउट कर सकते हो। तो गाइस, तीसरी ट्रिक मेरे भाइयों के पास जिनके पास जेम्स है, तो उन लोगों के लिए भी मैं तीसरी ट्रिक लाया हूं, जेम्स की पहली बॉल पर आउट कैसे करें। तो गाइस, यहाँ पे आपने पहले एक एरो दिख रहा होगा रेड कलर का, आपने वहाँ पे सर्कल रख देना। फिर आपने कुछ नहीं करना, आपने राजेश की जो स्पीड रखनी है वो या तो स्काई ब्लू कलर को टच कर जाए, नहीं तो स्काई ब्लू कलर का नीचे भी टच करेगा ना तो चलेगी। इसमें क्या होगा, 60-70% प्लेयर्स क्या होगे, कैच आउट दे के जाएंगे, इतना मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे कैच आउट हो गई, पहली बॉल पे आउट हो गया, लेकिन आप लोगों का कहोगे कि सर हमने ये ट्रिक आपकी फॉलो करी, कहीं की वर्क करेगी, कहीं कहेंगे कि हमारी ये वर्क नहीं करी, इस पर प्लेयर कंफ्यूज हो गया लेकिन वो शॉट नहीं लगा पाया, लेकिन कैच आउट नहीं दे पाया। तो भाइयों, आप लोग टेंशन मत लो, मैं राजेश बॉलर को यूज़ करके पहली बॉल पे विकेट आउट करके दिखाऊंगा आपको। तो दो ट्रिक मैं जो लेके आया हूँ ना, दोनों से आप फॉलो करके एक ना एक ट्रिक 100% मैं कह रहा हूँ काम करेगी। और जिन जिन मेरे भाइयों ने अभी तक न्यू आए हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस। तो यहाँ पे अब हमारी आ चुकी है दूसरी ट्रिक की बारी, और यहाँ पे जिस मैंने प्लेयर को हराया, आप देख सकते हो उसकी रैंक कितनी है, 43 और मेरी 47। तो गाइस, प्लेयर जानदार था। अब हम नेक्स्ट मैच में चले गए, उसमें हमें आपको विकेट लेके दिखाऊंगा कि विकेट कैसे लेते हैं राजेश बॉलर को यूज़ करके। ढाका में खेल रहे हैं ये टूर्नामेंट, और यहाँ पे हमारा ओपोनेंट की प्लेयर की वेट कर रहा है, कोई ना कोई आएगा। तो गाइस, एक ओपोनेंट आ चुका है, तो इसमें हम विकेट आउट करके दिखाएंगे, वो भी राजेश बॉलर को लेके। तो आपने कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ ज़बरदस्त, जो आपको 60-70% विकेट या कैच आउट दे के जाएगी। दोनों ट्रिक काम करेगी, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो पहली, दोनों में से लगा के देखो, मैं कह रहा हूँ काम करेगी। आपने क्या करना है, राउंड द विकेट आना है, और प्लेयर अभी तो हमारा मैच चल रहा है, अभी तो हमारा मैच चल रहा है, अभी उसकी ट्रिक आएगी। अभी पहले हम अपना टारगेट दे दें इसको अच्छा खासा। तो यहाँ पे जेम्स पे इसने लगाई शॉट, जे बॉल अच्छी दी थी, तो फाइनली मैंने शॉट लगा दी। तो पहली बॉल 4 के साथ हो चुकी है हमारी ओपनिंग, तो खाते में 4 रन आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी बॉल, या तो विकेट होगी मेरी, क्या होगा दूसरी बॉल पे, या बैक फुट शॉट ली थी, बट ये यहाँ पे प्लेयर के हाथ में कैच होते होते बचो गाइस, तो यहाँ पे 2 रन ही मिलेंगे। प्लेयर स्मार्ट है, मैं तभी कह रहा था ये प्लेयर जानदार है, जो प्लेयर खेलने आया ऐसा नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ पे ये जो जेम्स की बॉल डाल रहा है तो काफ़ी एक सुपर हिट बॉल दे रहा है, तो ग्रेट बॉल है। इसी प्लेयर को मैं आउट करके दिखाऊंगा, आप स्क्रीन पे बने रहना। यहाँ पे तीसरी बॉल फिर से कैच आउट होते होते बचा, कितने अच्छा वो चल रहा है मेरा, 3 बॉलें 8 रन हो चुके हैं यहाँ पे। अगर जेम्स को कोई बंदा फेस कर सकता है ना, सबसे बढ़िया केन बैट्समैन है जो जेम्स को तगड़े तरीके से खेल सकता है। मैं क्लियर बता दूं, जेम्स एक ऐसा बॉलर है ना, स्मार्ट बॉलर, लेकिन केन के सामने ना उसकी थोड़ी सी घिस जाती है, सिंपल सी बात समझ जाओ गाइस। यहाँ पे केन के सामने ना नहीं टिक पाता जेम्स, वो जैसेफर को लाते हैं केन को आउट करने के लिए। ओ शिट यार, विकेट चली गई। अरे यार, कितना अच्छा टर्न हुआ, मेरे को इसने थोड़ी स्लो बॉल रखी ना, मैंने जल्दी से घुमा दिया, इसी की वजह से विकेट चली गई। और अब भाइयों तैयार हो जाओ, राजेश की विकेट आउट करने की बारी आई, राजेश को लाना है आपने राउंड द विकेट। फिर से मैं एरो दिखा रहा हूँ, आपने रखना है ये वाला, जहाँ पे फिट करके रख दो सर्कल, जहाँ पे एरो दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद स्पीड जो लेनी है आपने स्काई ब्लू कलर की, अब ऊपर की स्पीड लेनी है। इसमें क्या होगा, इतनी अच्छी गुगली होगी ना, सीधा बोल्ड हो जाएगा गाइस। ये है पहली बॉल का करिश्मा, और पहली बॉल पे सीधा मैजिकल विकेट चली गई राजेश बॉलर को यूज़ करके। तो दोनों ट्रिक अप्लाई करके करना, पहली नहीं तो दूसरी ट्रिक काम आएगी, दूसरी नहीं तो पहली ट्रिक काम आएगी। इसमें अगर प्लेयर आउट भी नहीं होता ना मेरे भाइयों, ये भी सुन लो, कोई नहीं, रन कम आएंगे, आप टारगेट को चेस तो कर लोगे ना, विकेट आउट नहीं हुई, कैच आउट नहीं हुई तो रन कम आएंगे, रन कम आए तो टारगेट को चेस करना आप जानते हो, हल्के हल्के हाथ से खेलना। तो अब जिन मेरे भाइयों के पास जेम्स बॉलर है, तो वो जेम्स को कैसे यूज़ करे, और जो लोग ये बोनस ट्रिक डिस्कस कर रहे हो जेम्स के साथ, अगर राजेश आपका नहीं चल रहा, जेम्स तो लेके जाते ही हो ना हर कोई, तो जेम्स की बॉल पर कैसे आउट करे तो ध्यान से देना, और जेम्स की बॉल पर कैसे कन्फ्यूज़ करे वो भी बताऊँ आपको यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, राउंड द विकेट आना है, जेम्स को सिलेक्ट करना है, फिर जेम्स की जो बॉल रखनी है टॉप स्पिन रखनी है, और सर्कल आपको जो रखनी है वो यहाँ पर रखना है, और स्पीड लेनी है स्काई ब्लू कलर की। यहाँ पे देखो प्लेयर कंफ्यूज होते होते बचा, और विकेट आउट होते होते बची है। तो यहाँ पे पहली बॉल में पहला रन आ चुका है,
इतने अच्छे रन नहीं है जेम्स की बॉल पे, तो यहाँ पे अब मैं राजेश को यूज़ कर सकता था, लेकिन ये मेरे भाइयों के पास जिनके पास राजेश नहीं आ रहा और उनके पास जेम्स है, वो लोग कैसे करें, तो उन लोगों के लिए। और यहाँ पे देखो टॉप स्पिन देती, यहाँ पे पहले मैंने इसको लेग स्पिन से कंफ्यूज किया, फिर दूसरी मैंने टॉप स्पिन दी, तो अभी तक इसके कोई रन नहीं आए, 2 बॉल 1 रन आया है, तो इतना तो चलेगा भाइयों। तो यहाँ पे अब देखेंगे तीसरी बॉल, मैं तीसरी बॉल भी रखूँगा, टॉप स्पिन रखूँगा, नहीं मैंने तीसरी बॉल राजेश के साथ रख दी, चलो कोई नहीं, राजेश का भी देख लेते कितना टर्न होगा। बट इसने राजेश पे शॉट अच्छी खेल दी भाई, 4 रन लगा दिए इस पर, कोई नहीं। अब जिसकी इसकी कमी ना जेम्स है, तो जेम्स को ही रखूँगा अब, चाल जेम्स के साथ ही चलानी है। 5 रन बोर्ड पे चढ़ चुके हैं हमारे, मतलब इस बंदे के। अब यहाँ पे फिर से मैं जेम्स को लाऊंगा, अब सर्कल थोड़ा पीछे रख रहा हूँ मैं, ठीक है, सर्कल थोड़ा पीछे रख रहा हूँ ताकि बॉल को घुमाने का तरीका, अब मैं सोच रहा हूँ टॉप स्पिन के साथ खेलूँ। ओ वाओ, क्या टॉप स्पिन नहीं थी, सॉरी ये लेग स्पिन रखी थी मैंने, सॉरी लेग स्पिन रखी थी, टॉप स्पिन नहीं थी। यहाँ पर आप ऐसी सारी मेरी मार कर लो, अब क्या करना है, विकेट लेनी है भाइयों, ध्यान से देख लो, अभी विकेट की बारी नहीं आई, अभी विकेट मैं आपको विकेट भी लेके दिखाऊंगा। ये सर्कल भी काम नहीं करा, एक ये लास्ट विकेट, अब इसमें प्रॉपर मैं विकेट लेके दिखाऊंगा, ध्यान से तैयार हो जाओ गाइस। आप लोगों ने क्या करना है, सर्कल रखना है इस जगह पर, मेरे को उसकी एक कमी पता चल गई। फिर आपने जो बॉल रखनी है ना, स्काई ब्लू कलर की लेनी है, लेकिन लेग स्पिन रखनी है, टॉप स्पिन मत चुन लेना, ठीक है, इसमें टॉप स्पिन में सीधी जाएगी। तो यहाँ पर ये देखो, इसको लग रहा है प्लेयर को टॉप स्पिन डालेगा, लेकिन बंदा इतनी अच्छी बॉल घूमेगी सीधा गाइस, दोनों विकेट चली जाएगी। तो यहाँ पे हो गया प्लेयर आउट, और सिर्फ 7 रन का टारगेट मिला आपके भाई को। तो टारगेट तो देख के जाओ, आपका भाई चेस करेगा नहीं करेगा, जल्दी से मत भाग जाना। तो यहाँ पर 7 रन का टारगेट मिला और हम यहाँ पे खेलने लगे, देखते हैं। तो यहाँ पे इस बंदे ने रणवीर को रखा है, रणवीर को खेलने की ट्रिक्स मैंने आपको काफ़ी बता रखे हैं, रणवीर को खेलना बहुत इजी है, लेकिन आप स्मूथ लेवल का खेलना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रन आ चुका है हमारा फाइनली, ठीक है, तो अब सिर्फ 6 रन और चाहिए यहाँ पे जीतने के लिए। तो अभी 5 बॉल 6 रन, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, कुछ ऐसा कुछ जादू होने वाला है। अब मैं ये फिर से अब मैं थोड़ा जोश में खेलूँगा शॉट, फाइनली 4 रन चले गए बहुत इजी तरीके से। राइट हैंड साइड शॉट लिया करो, अगर आपको रणवीर फेस मिलता है, रणवीर अगर इस साइड से बॉल डाल रहा है, तो रणवीर की आराम से खेल सकते हो राइट हैंड साइड शॉट लेके गाइस। तो 2 बॉल 5 रन हो गए जीतने के लिए, सिर्फ अभी 2 रन चाहिए, सिर्फ अब मैं डिफेंसिव शॉट लूँगा, कोई उड़ाने का शॉट नहीं लूँगा। तो फाइनली गाइस अब ये मैच जीत चुके हैं, इसी के साथ हम ये मैच जीत गए, 9 रन आ चुके हैं और यहाँ पे हम ये टूर्नामेंट जीत गए। गाइज ये ट्रिक्स कैसे लगी हो, 3 ट्रिक्स जरूर कमेंट में बताना, आप लोगों के कमेंट्स में जरूर पढ़ता हूँ, और लाइक जरूर कर देना, और भाइयों सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कुछ भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, आपके जरूर रिप्लाई मिलेंगे। ओके बाय गाइज़।